बताइएगा कि रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस समय जो है आपको कौन आगे दिख रहा है त्रिकोणी श्रृंखला में, आपको क्या कुछ चुनावी सरगर्मियां जो है यहाँ पे चल रही है रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी? कौन जीत रहा है इस बार? कोई नजर नहीं आ रहा है कौन जीत रहा है। कोई नजर नहीं आ रहा है, मतलब कोई एक पार्टी, कोई भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर सारी पार्टियां देखी है ऐसी ही है, सारी चल रही है, सारी चल रही है, कोई नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा, कोई ना कोई जीतेगा। कौन जीतेगा वही हम पूछना चाहते हैं। आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? आप किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी की नहीं। यस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आपको पता ही है कि हम जो है चुनावी सरगर्मियों में आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है चुनावी पारा तापमान चढ़ा हुआ है, तो उसी को लेके हम जनता की राय लेते हैं कि आखिर जनता जो है क्या चाहती है। तो हमारे साथ उसी को लेके आज मौजूद है, और बात ये भी बता दें हम आपको कि रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस समय हम जो मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे आखिर कौन है यहाँ पे आगे मुकाबले में। हम आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अर्जुन सिंह राजू जी और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज परिहार और भाजपा के राकेश ठाकुर। तो हमारे साथ एक युवा मौजूद है, तो भाई साहब सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। शुक्रिया सर, मेरा नाम चौधरी विजय रंजूम है। तो आप हमें बताइएगा कि रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस समय जो है आपको कौन आगे दिख रहा है त्रिकोणी श्रृंखला में? देखिए सर, यहाँ पे मुकाबला जो है वो सीधा सीधा त्रिकोणा नहीं है, ये आप जो बता रहे हैं त्रिकोणा मुकाबला, यहाँ त्रिकोणा मुकाबला नहीं है। यहाँ अगर मुकाबला है तो वो इस वक्त भाजपा का, और यहाँ पे भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि लोग आज वोट कर रहे हैं, जो वोट कर रहे हैं वो महंगाई के खिलाफ वोट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी ज़मीनें छीन ली उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, हमारी नौकरियाँ छीन ली उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, हमारा स्टेटस जो था वो छीन लिया उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, हमारा कोटा जो था मान के चलो RBA का कोटा 10% था। मैं अपने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूँ कि RBA जो है रामबन के अंदर पहाड़ी क्षेत्र में सब लोगों को RBA मिलता था, चाहे वो कश्मीरी था, चाहे वहाँ पे हिंदू था, चाहे वो कोगली था, चाहे डोगरा था, चाहे वो जुंदारी था, सिलदारी था, कोई भी था, उसको जनाबली क्या मिलता था, RBA के तहत एक नौकरी का एक स्टेटस मिलता था, उसको 10% किया जाता था। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि उसको 10% को काट के 5% पे लाया गया है, और वो 5% जो है रजौरी पुंछ में उन पहाड़ियों को दिया गया है ST के नाम पे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है हमारे लोगों के साथ, और उसके खिलाफ 18 तारीख को जब जाएं लोग तो उसके खिलाफ जाके आप वोट करें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अर्जुन सिंह राजू जी को जिता के असेंबली में पहुंचाएं, ताकि हमारी आवाज़ जो है असेंबली में गूंजे, और ये आवाज़ गूंजे। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है जो कि ब्लॉक प्रधान है मेहतरा से, तो उनसे जानेंगे हम उनकी क्या है राय। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं ब्लॉक रामबन मेहतरा से हूँ। जी प्रेसिडेंट शकील साहब, जिस तरह से आपने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो चोला पहना है, क्या ये चोला जो है जब रिजल्ट आएगा इनका, क्या उसके बाद भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस विजय होगी? क्या लगता है आपको, क्या कुछ चुनावी सरगर्मियां जो है यहाँ पे चल रही है रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक का कितना हजूम है, जहाँ भी जाओ पब्लिक हमारे साथ जुड़ते हैं, सैलाब की तरह जुड़ते जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को देख के पिछले 10 साल में जो हमारे साथ गुजरी है, हमारे लोगों को जो दर दर की ठोकरें खानी पड़ी हैं, बेरोजगारी अरूज पे पहुंच गई है, नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, परेशानी हर तरफ से बढ़ गई है नौजवानों के लिए। BJP की सरकार में 10 साल में जो रगड़े खाए हैं, अब वो इस बार रगड़े नहीं खाएंगे। BJP ने एक और यहाँ पे आज़ाद कैंडिडेट जो है वो खड़े हो गए हैं, आज तक वो भी BJP के वकील हुआ करते थे। आप देखते हैं कि कभी कभी हम ये सुना करते थे कि बाहर के लोग आके हमारी कंपनीज में लग रहे हैं, और हमारे यहाँ के लड़के नौजवान नहीं लगते तो स्ट्राइक हुआ करती थी। आज हमारे घरों के सामने इंटरनेशनल कंपनीज कितनी है, नाशरी से लेके बनाल तक, लेकिन एक भी नौजवान जो है गांधरी का, रामबन का, राजगढ़ का, बठनी का, कहीं का भी नौजवान जो है रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी का, रामबन डिस्ट्रिक्ट का नहीं लगता है। लगता है तो सिर्फ वो लगता है जिसको BJP वालों का टैग लगा हो। बाकी मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा, जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है आज़ाद उम्मीदवार, आज तक उसने भी जो है BJP का कोट पहना हुआ था, आज जो उनने सलवार कमीज पहन के या कोई पैंट शर्ट पहन के वो दूध से धुले हुए नहीं है। सर एक बात और बता दीजिए, आखिरी बात जो है बताइए कि कितने, क्या लगता है आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कितने वोटों से विजय होगी?
नेशनल कॉन्फ्रेंस तो यहाँ पे देखिए जिस तरह का जिस तरीके का सैलाब है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है भारी अक्सरियत से जीतेगी यहाँ पे, कम से कम 6 से 7 हज़ार वोटों की लीड से जीतने वाला है हमारा अर्जुन सिंह राजू। जो कौन जीत रहा है इस बार? कोई नजर नहीं आ रहा है कौन जीत रहा है। कोई नजर नहीं आ रहा है, मतलब कोई एक पार्टी, कोई भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर सारी पार्टियां देखी हैं ऐसी ही हैं, सारी चल रही हैं, सारी चल रही हैं, कोई नहीं जीतेगा? नहीं जीतेगा, कोई ना कोई जीतेगा। कौन जीतेगा वही हम पूछना चाहते हैं। आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? आप किसकी? किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी की नहीं, यह सबकी कर रहे हैं। देखना है।